खुशखबरी, अब आपके शहर डबवाली में भी पहली हाई डेफिनेशन आधुनिक सिटी स्कैन मशीन सेवा हुई उपलब्ध। हमारे यहाँ हर प्रकार के जैसे सिर, छाती और पेट का सिटी स्कैन व सिटी एंजियोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। और हाँ, एक्सीडेंटल व इमरजेंसी केसों में भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है श्री बालाजी डायग्नोस्टिक, नजदीक राज हॉस्पिटल, मंडी, किलियांवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में चेयरमैन पद के चुनाव को लेकर आज से शंखनाद हो गया है INLD की तरफ से। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये तस्वीरें मंडी डबवाली से, जहां पर INLD के जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन पद के, टेकचंद छाबड़ा की ओर से नामांकन पत्र की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर एक जीप में, ओपन जीप में सवार होकर उनको यहां से नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए जो नगर परिषद तक ले जाया जाएगा। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, टेकचंद छाबड़ा जो कि इसी जीप में सवार होकर यहां से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए नगर परिषद में यहां से जाएंगे। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बेहद खूबसूरत रंग लोकतंत्र के इस महापर्व में नगर परिषद का डायरेक्ट पहली मरतबा चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, जहां पर बेहद ढोल नगाड़ों के साथ, साधु सामान के साथ जो INLD की तरफ से मंडी डबवाली में जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनको इस ओपन सीट के जरिए, एक रोड शो के जरिए अपनी ताकत को दिखाया जा सके, अपनी पूरी ताकत झोंकी जा सके। और इसकी अगुवाई सुनैना सिंह चौटाला कर रहे हैं, जो INLD के प्रत्याशी हैं। एक चंद छाबड़ा INLD की तरफ से वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एक चंद छाबड़ा की ओर से अपना नामांकन पत्र आज दाखिल किया जाना है। हम आपको तस्वीरें मंडी डबवाली से दिखा रहे हैं, जहां पर पहली बार डायरेक्ट चेयरमैन पद का चुनाव होने जा रहा है, जो कि सबसे जबरदस्त इस बार मुकाबला। मैम, क्या कहेंगे आप नामांकन पत्र दाखिल करवाने जा रहे हैं? नामांकन पत्र हम भरवाने जा रहे हैं और जल्दी आपके बीच लड्डू भी बांटेंगे। मैं कैसे देखते हैं, पहली मरतबा चुनाव हो रहा और INLD ने अपना सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, जो कि डबवाली से आप शुरुआत। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल ने जिस दिन सिंबल की अनाउंसमेंट की तो हमारे विपक्षियों के पसीने छूट गए। वो इस घबराहट में कभी तो अलग अलग लड़ने का फैसला लिया, फिर घबराहट में एक होके लड़ने का फैसला लिया, तो जाहिर सी बात है इंडियन नेशनल लोकदल अपना परचम फहरा के रहेगी और हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक जगह आज ये आके आई हूँ। आज ये हालात है कि हर एक को इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब तक दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी, जो बाकी दो दिन के अंदर अंदर दूसरी लिस्ट भी जारी होगी। कैसे मानते हैं डबवाली में किसके साथ चुनौती INLD की, आप मुकाबला किसके साथ? इंडियन नेशनल लोकदल का किसी से कोई भेदभाव नहीं है और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे डबवाली को ये संदेश देना चाहूंगी कि जिस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में अलग अलग विचारधाराएं थी, लेकिन सबका मकसद एक था, आज पूरे डबवाली एक ही मकसद से कि महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में और जो हमारी पेंशन कटने जा रही है उसके लिए आवाज उठाए। और उसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपने जो शहर से जो है अपने प्रत्याशी को मजबूती से बना के भेजें, ताकि हम आगे की लड़ाई बखूबी लड़ सकें। छाबड़ा साहब कैसा फील हो रहा है नामांकन पत्र के लिए, आप यहाँ से निकल रहे हैं ओपन जीप के जरिए? बड़ी खुशी की बात है, जब सारा शहर साथ है और शहर के साथ हम जा रहे हैं फार्म भरने के लिए, तो खुशी तो होगी हमें। इससे साफ जाहिर होता है कि हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अभी कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, क्योंकि पहली बार डायरेक्ट चुनाव हो रहा है चेयरमैन का, हालांकि आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है? हमें तो सदा आश्वासन ही रहता है हम जीत की ओर जाते हैं। हमने जितने चुनाव लड़े हैं ना, परमात्मा की कृपा से हम जीत की ओर जाते हैं। इससे मुकाबला मानते हैं अपना? भी मुकाबला कोई आ जाए, मुकाबला ही है जी। हमारे साथ INLD के जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं टेकचंद छाबड़ा की ओर से आज ताल ठोक दी गई है। डबवाली में पूर्ण तरीके से चुनावी माहौल रंगारंग तब्दीली में हो रहा है और INLD अपने पहले कैंडिडेट के साथ डबवाली में अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से, JGP को छोड़ दीजिए, किसी भी पार्टी की तरफ से अपनी पत्ते नहीं खोले गए हैं, लेकिन INLD सबसे पहले अपने कैंडिडेट को लेकर आज नामांकन पत्र दाखिल करने जा रही है। बेहद कड़ा और रोचक मुकाबला मंडी डबवाली की इस महासंग्राम नगर परिषद चुनाव में देखने को मिलेगा। हर अपडेट के लिए बने रहिए तेज हरियाणा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।